कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज संपूर्ण कलिसिया पेनीफोर्ट के संत रेमंड का पर्व मनाती है। उनका जन्म स्पेन में 1175 में हुआ था। वे एक डोमिनिकन पुरोहित थे। उन्होंने अपनी शिक्षाओं में विशेष रूप से इब्रानी एवं अरबिक भाषा का अध्ययन किया, ताकि वे प्रभु के वचनों को दूसरे देशों में भी फैला सके और प्रभु के प्यार को दूसरे लोगों तक बांट सके। उन्होंने विशेष रूप से यहूदियों एवं अन्य धर्मों के लोगों तक प्रभु के वचनों को फैलाया। 15 वर्षों तक उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना में शिक्षा दी। 1222 में उन्होंने विशेष रूप से प्रचारकों के समूह में एक विशेष स्थान प्राप्त किया। संत पीटर के साथ मिलकर इन्होंने आवर लेडी ऑफ मर्सी नामक एक संस्था की स्थापना की, ताकि वे जेल में जो बंदी है उन लोगों की छुटकारा के लिए वे प्रार्थना कर सके। 1230 में संत पिता ग्रेगरी 90 ने उन्हें अपने पास बुला लिया और उन्हें विशेष महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। यह भी कहा जाता है कि उनके प्रवचनों के द्वारा 10,000 से अधिक लोगों ने ख्रिस्तीय विश्वास को अपनाया और ख्रिस्त विश्वास पर चलते हुए प्रभु के कार्यों को उन्होंने मन लगाकर किया। 1238 में संत रेमंड डोमिनिकन समाज के जनरल बने और उन्होंने विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए स्कूल कॉलेज की स्थापना की, ताकि वे अन्य भाषाओं को वे वहाँ पर सीख सके। उनकी मृत्यु 6 जनवरी 1275 में हुई, जब वे 100 वर्ष के थे। आइए क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम भी आज विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कलीसिया के लिए विशेष रूप से अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने जीवन को समर्पित करते हैं। उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए हम आज विशेष रूप से उन्हें याद करें और प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करें।